इससे पहले सरकार ने यह लेकिन विकास के नाम पर मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहने की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो विधानसभा से विधायक कंवर संजय सिंह छोकर को प्रदेश सरकार में खेल एवं वन मंत्री बनाए जाने पर रविवार को राजपूत समाज द्वारा सोहना खंड के गांव भोंडसी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में नवनियुक्त मंत्री संजय सिंह को पुष्प गुच्छ देकर व पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। वह सोहना विधानसभा को 27 साल बाद मंत्री पद देने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर अवैध खनन करने व पर्यावरण को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए वन मंत्री से आग्रह किया कि वो अरावली को दोबारा से हरा भरा करके पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करेंगे। ये मंत्री भी राजनीतिक नहीं है, ये प्योर देसी मंत्री है। हमारे को एक ऐसा मंत्रालय कुंवर संजय सिंह को दिया है जो क्षेत्र के अंदर पॉल्यूशन नहीं होने देगा, पर्यावरण मंत्री बनाया। अरावली को कांग्रेसियों ने खाका कर उजाड़ दिया, अवैध माइनिंग कर करके उजाड़ दिया। सिंह मुख्यमंत्री जी की सरकार में अगर कोई सबसे युवा मंत्री है तो कंवर संजय सिंह है, इसलिए इनको युवा और खेल मंत्रालय दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सोहना विधानसभा क्षेत्र को 27 वर्ष का सूखा खत्म किया है। क्या खत्म किया है? 27 वर्षों का सूखा खत्म किया है और सोहना तावड़ विधानसभा क्षेत्र में मंत्रालय देकर हम सबका मान बढ़ाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना विधानसभा के गांव भोंडसी का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि राजपूत समाज के लोग सोहना से विधायक एवं प्रदेश सरकार में खेल एवं वन पर्यावरण मंत्री कंवर संजय सिंह को पुष्प माला पहनाकर व पगड़ी बांधकर स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिमनास्टिक के बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मौके पर खेल मंत्री ने प्रदेश सरकार को देश की नंबर वन सरकार बताते हुए कहा कि आचार संहिता के चलते वो कोई घोषणा ऐसी नहीं कर सकते जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन प्रदेश सरकार उन कार्यों को जल्द पूरा करने का काम करेगी जो आचार संहिता के चलते पूरे नहीं हो सके हैं। आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव संपर्क अच्छा जानते हैं। मैं व्यवस्था के बाद भी अपना कार्यक्रम है, इसलिए मैं समय जरूर दिया मैंने आपको, लेकिन किसी प्रकार की कोई घोषणा या कोई ऐसी नहीं कर सकते जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। विकास की प्रतिबद्धता हमारी सरकार की और हमारी सरकार ने, मैं समझता हूँ जितने विकास कार्य पूरे प्रदेश में किए हैं, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन एक विकास के नाम पर हमारे भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, मैं समझता हूँ चाहे बुजुर्गों की बात हो चाहे महिलाओं की बात हो चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी सुरक्षा की बात हो चाहे हमारे युवाओं की बात हो चाहे स्पोर्ट्स की बात हो चाहे एजुकेशन की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हरियाणा आज नंबर वन पर है आज पूरे देश में। मेरा कर्तव्य बनता है नीतियों को अपने प्रदेश में लागू करूँ और अपने क्षेत्र में लागू करूँ और आपको आने वाले समय में अपने क्षेत्र में आपको अनुभव होगा कि आपके भाई को जिम्मेवारी मिली है उसका पूरा हमारे क्षेत्र को उसका फायदा मिलेगा, हमारे क्षेत्र को उसमें विकास के तौर पर हमारे क्षेत्र आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बता दें कि सोहना विधायक को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए जाने पर इलाका वासियों में खुशी का माहौल है, जिसे लेकर विधानसभा के गांवों में मंत्री जी के लिए स्वागत समारोह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि मंत्री जी विधानसभा वासियों की उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं और विधानसभा के अंदर कितना विकास करा पाते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।